हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिस फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की बहुत ही स्पेशल डिश जो है ढोकला। इसे मैंने माइक्रोवेव में बनाया है और एक बहुत ही इजी रेसिपी है। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा और गले में बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। ये देखिए हमारा ढोकला कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और कितना स्पॉन्जी बना है और ये एकदम जूसी बना है। तो चलिए ऐसा ढोकला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और एक कप बेसन का लेंगे। फिर हम बोल के ऊपर एक सीव रखेंगे और उस पर बेसन को डाल देंगे। अब हम बेसन को अच्छे से छान लेंगे। ऐसा करने से बेसन में कोई भी लम्ब्स नहीं बनते हैं और हमारा बैटर बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। अब हम एक स्पून की हेल्प से बेसन में जो भी लम्ब्स है उसे अच्छे से तोड़ लेंगे कुछ इस तरह से और साथ में से छान लेंगे। अब लास्ट में बचे हुए लम्ब्स को हम फेंक देंगे। ये देखिए अब मैंने बेसन को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें आधा कप दही का डालेंगे। आप दही की जगह एक चम्मच नींबू का भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा बैटर पतला हो जाए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। बैटर को आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और इस पर कोई भी लम्ब्स नहीं बनने देने हैं। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और बैटर को आपको एकदम लाइट करना है। ये देखिए हमारे बैटर में अब कोई भी लम्ब्स नहीं बने हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हमें बैटर को पतला करना है, इसे हमें बहुत थिक नहीं रखना है। अब हम इसमें 3 टीस्पून चीनी के डालेंगे और 1/2 टीस्पून नमक का डालेंगे और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से फेंट लेना है। मुझे हल्दी इसमें थोड़ी सी कम लगी है तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और डाल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब ये हमारा बैटर बनके तैयार है। बैटर हमें कुछ इस तरह का चाहिए। बैटर हमारा रनी होना चाहिए तभी हमारा ढोकला सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल की डाल देंगे। आपको ढोकले में रिफाइंड ऑयल जरूर डालना है तभी आपका ढोकला गले में नहीं फंसेगा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक मोल्ड तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने केक मोल्ड लिया है और उसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा ढोकला आसानी से निकल जाए और इसमें चिपके नहीं। आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन ले सकते हैं। ये देखिए अब हमारे बैटर को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में ज़्यादा हो गया है। अब हम एक इनो का पैकेट लेंगे और उसे इसमें डाल देंगे और इनो डालते ही आप इसे जल्दी से मिक्स कर लीजिए। जब आप इसमें इनो डालोगे तो ये एकदम फूलने लगेगा, तो आपको अपने हाथ तेज़ी से चलाने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम अपना बैटर लेंगे और उसे जल्दी से केक मोल्ड में डाल देंगे। इनो डालने के बाद आपको बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना है, उसे आपको जल्दी से मोल्ड में डाल के माइक्रोवेव कर देना है। अब मैं अपने मोल्ड को माइक्रोवेव में डाल दूंगी। यहाँ मैं माइक्रोवेव को 80 वोल्ट में रखूंगी और इसे 5 से 6 मिनट के लिए बेक कर लूंगी। हर माइक्रोवेव का टेम्परेचर अलग होता है तो आप अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिए। ये देखिए अब 6 मिनट हो चुके हैं और मेरा ढोकला अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के रख लूँगी। ये देखिए अब हमारा ढोकला अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि अच्छे से पका है या नहीं। इसमें मैं टूथपिक इंसर्ट करूँगी। अगर आपकी टूथपिक साफ बाहर आ जाए तो मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर से अच्छे से बटर पेपर निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल रखेंगे और उसे अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे। ये देखिए अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों के दाने डाल देंगे और इसे पकने देंगे। इसे आप एक बार अच्छे से चला लीजिए। इसी के साथ अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे और साथ में कुछ हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें हींग डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे। इसे आपको कुछ इस तरह से हिला लेना है। ये देखिए, अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें आधा कप पानी का डाल देंगे और इसमें 2 टीस्पून चीनी की डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक का डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। अब ये हमारा तड़का तैयार है। अब हमारा ढोकला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे काट लेंगे। आपको इसे इस तरह से काट लेना है। ये देखिए हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट बना है और ये कितना इजीली कट जा रहा है। ढोकले को आपको अच्छे से ठंडा करके काटना है। अब हम इसके ऊपर तड़के को डाल देंगे। ये देखिए आपको इस तरह से इसके ऊपर सारा पानी डाल देना है ताकि आपका ढोकला अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बेसन हमारा काफ़ी ज़्यादा खुश्क होता है तो ये गले में जाके फंसता है, तो इसलिए आपको इस तरह से इसमें पूरे तड़के को इस तरह से पोर कर लेना है, तभी आपका ढोकला बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए अब हमारा टेस्टी सा ढोकला बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये देखिए अब हमारा खट्टा मीठा ढोकला बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।